इजी क्वेश्चन में से बच्चों ये है बहुत, ठीक है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो ध्यान देते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने का, तो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। पहला काम आपको क्वेश्चन पढ़ना है जो आपको दिया हुआ रहेगा। एम एस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ रुपीज 6,000, ठीक है। 18% GST लग रहा है किसके, 1,000 पे, जब ये प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है, ठीक है। एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर 10,000, और कस्टमर को 10,000 पे बेच रहा है। व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी शोन इन टैक्स इनवॉइस। अपने को सी जी एस टी और एस जी एस टी मालूम करना है। क्या है कि एम एस प्रोडक्ट के जरिए जो है GST पे किया जा रहा है ना। क्या है इस प्रोडक्ट का इनपुट टैक्स हमको पहले मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखोगे इनपुट टैक्स क्या होगा, किसके जरिए पेड किया जा रहा है, मालूम किया जा रहा है हमारा, ये हमको मालूम पड़ रहा है किसके जरिए, बोलो, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट के जरिए, बाय एमएस प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, ब्यूटी लिख दिया। कैसे मालूम करोगे, सबसे पहले आपको लिख देना है 6,000 रुपये, आपने 6,000 रुपये लिख दिया, मल्टीप्लाई आप 18% तो 18% लिख दिया आपने, GST निकाल लो आप फटाफट, निकाल लेता हूँ परसेंट, तो 0 से 2 0 यहाँ कटा, 18 6 कितना होता, 10 और एक 0 बचा हुआ था तो 280 आ गया, ये इनपुट टैक्स आ गया। पहला काम आपको ये करना था जो आपने निकाल लिया। अब इनपुट टैक्स निकालने के बाद ध्यान रखो, यही आपका जो इनपुट टैक्स होता है ये ITC आपको मालूम होगा, ITC जो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको बोलते हैं, I10। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका वो देखना है आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, फिर आपको आउटपुट टैक्स निकालना है। आउटपुट टैक्स कैसे निकालोगे, आउटपुट टैक्स जो होगा कितना दिया है, 10,000 दिया है, जो 10,000 पे सेल किया कस्टमर को, आउटपुट टैक्स निकालना आपको 10,000 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18% 18% परसेंट का मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए। परसेंट की जगह हम लोग लिख सकते हैं 100, नीचे आप क्या लिखोगे 18 के 100 लिख देंगे। अब जिससे जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दीजिए। अब देख रहे हो यहाँ पे 2 0 से बच्चों 2 0 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल कर दिया। अब 18 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 18 मल्टीप्लाई करोगे 18 का, जब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 18 0 0 180 आ गया, एक जीरो और एक्स्ट्रा लगेगा, ये आउटपुट टैक्स आ गया। आपका क्या आ गया आउटपुट, ये मालूम कर लो पहले आप, तो आपने ये मालूम कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आउटपुट टैक्स मालूम करने के बाद आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है। आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, GST मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो GST मालूम करते थे, GST मालूम आउटपुट टैक्स में से आपको क्या माइनस करना, आउटपुट टैक्स माइनस ITC आउटपुट टैक्स कितना हमारे पास, आप बोलोगे आउटपुट टैक्स हमारे पास जो दिया है 1800, और यहाँ पर जो ITC कितना है आप बोलोगे 10, तो माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखो 720 आपका GST मिल गया। GST आपका निकल के आया कि आपका GST निकल। अब इसके बाद आपको क्या मालूम करना है, निकालने के बाद आपको मालूम करना है भाई का जो है SGST कितना होगा। आपको मालूम है कि SGST जो होगा इसका हाफ होगा यानी कि 320 होगा, और CGST भी उसका हाफ होता है यानी कि ये भी 20 होगा, 20 लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ तक लिख रहा हूँ, ये 60 होगा, है ना, 60 रुपये होगा, 720 हाफ होगा आपका 360 दोनों होगा, आपको ये लिख लेना है, ठीक है। SGST हमारा कितना आ गया, 360 रुपये आ गए, और इसी तरह हमारा CGST जो है वो भी निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो इतना ही करना था, यहाँ पे हो जाता है। आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आपको कैसे करना है, इस तरह से आपको ब्रैकेट बनाना और सारी चीज़ें है ना सही पॉइंट पे लिखना है। इसको बाकायदा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है
और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये सब जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर बाहर का क्वेश्चन आ, ठीक है? तो बाहर का क्वेश्चन मतलब जो हॉट क्वेश्चन में टाइप का पूछा जा सकता है आपसे। प्रिपेयर अ बिजनेस टू कंज्यूमर बी टू सी टैक्स इनवाइस, आपको टैक्स इनवाइस बनाना है। कैसे रहता है? यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का क्या है नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट लिखना है, इनवॉइस नंबर लिखना है, जीएसटी नंबर लिखना है, एस पर योर चॉइस, ठीक है? अपने हिसाब से लिखना है, एस पर योर चॉइस मतलब आप अपने हिसाब से लिखो, ठीक है? तो एम एस लिखना है सबसे पहले, एम एस सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सप्लायर। भाई सप्लायर जो है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साइड में लिख देता हूँ भाई, सप्लायर जो है, सप्लायर साहब जो भी हैं का नाम लिख लेना है, सप्लायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है इनवाइस नंबर, क्या लिखना है? इनवाइस नंबर, ठीक है? तो इनवाइस बोला है तो इनवाइस नंबर लिख दो, इनवाइस नंबर जो भी आप अपने हिसाब से दे दोगे। फिर और क्या लिखना पड़ेगा? ये कोने में देखो, चार कोने में चार चीज़ें लिखना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे आपको, यहाँ पे लिख लेना है जीएसटी, जीएसटी जो नंबर है यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ जीएसटी नंबर लिख देना है। ये करने के बाद और नीचे वाले कोने में जो आपको लिखना है इनवाइस डेट रहेगा, रहेगा आपका इनवाइस डेट रहेगा, ठीक है? ऐसा आपको याद रहेगा, यहाँ पे क्या लिखना है इनवाइस डेट लिख लो। ये हो गया। अब उसके बाद फटाफट जो चीज़ें दिए हैं वो लिख लो आप, ये बताओ इसके अंदर है। सबसे पहले सप्लायर, तो सप्लायर कौन है? सप्लायर देखो एम एस करके आप जो भी लिख दो अपने हिसाब से, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम एस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एम एस इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिख, ठीक है? अब यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी लिखना पड़ेगा साथ में, सप्लायर का पूरा डेटा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 28 30 एक्स वाई जेड रोड आने, आने लिखने के बाद पिन कोड लिख दिया हमने 4 1 महाराष्ट्र, यहाँ पे लिखोगे महाराष्ट्र, कंप्लीट हो गया आपका एड्रेस, ठीक है? अब इनवाइस नंबर, तो इनवाइस नंबर में आप लिख सकते हैं जीएसटी, पहले जीएसटी लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 2 लिख दिया हमने, ठीक है? 207 भी लिख सकते हो, जेम्स बॉन्ड बन जाओ सीधा। चलो अब जेम्स बॉन्ड बनने का सवाल यहाँ है, इंटेलिजेंट तभी बनोगे जब सारे क्वेश्चन बच्चों आप करोगे, तो इंटेलिजेंस बनने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। अब जीएसटी नंबर पे क्या होगा, सबसे पहले आपको स्टार्ट किसे करना पड़ेगा, महाराष्ट्र का जो पिन कोड नंबर है ना, महाराष्ट्र का कोड होता है जीएसटी का, वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है आपको मालूम होना चाहिए, 27 कोड है कि आपको महाराष्ट्र का कोड ये लिख दो, पहला काम ये हो गया। फिर उसके बाद ए बी सी डी से लेकर आप ई तक लिख दो, ठीक है? ए बी सी डी से लेकर ई तक लिख दो, ये काम करना है आपको। ये लिखने के बाद अब चार नंबर लिख दो, कोई भी चार नंबर लिख दो, चार नंबर लिखना है बस, वो आगे पीछे कुछ भी लिखना है लिखो, वो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि सबका पैन कार्ड क्या होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 4, चार लिख दिया हमने। फिर उसके बाद चार लिखने के बाद बच्चों ध्यान दो, आखिर में जो लिखा जाता है ना, चार नंबर लिखने के बाद यहाँ पे एच लिखोगे, ठीक है? एंड किससे करोगे आप? एंड हमेशा देखो कोई भी इंग्लिश का लेटर रहेगा उससे एंड करना है आपको, ठीक है? चार नंबर लिखने के बाद, चार डिजिट लिखने के बाद यहाँ पे इंग्लिश, फिर एक लिखने के बाद एंड करोगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने, हो गया। अब ये लिखने के बाद ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान रखो यहाँ पे आपका, एक पॉइंट और देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे अच्छे से, ब्लू कलर लेता हूँ ताकि बेहतर रहे आपके लिए। फिर उसके बाद आई वन लिखना आपको, ठीक है? वन क्या है, रजिस्ट्रेशन बताता है, तो आपको वन लिखना है, यहाँ पे आप लिख दो वन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन। वन लिखने के बाद जेड और फाई, जेड और फाई ये लिखना है, और जेड और फाई हर जगह रहेगा ये याद रखिए, ठीक है? सबके लिए यूनिफॉर्म रहेगा, है ना? जेड और फाई ये आपने लिख दिया, ठीक है? ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, इनवाइस कोड, इनवाइस कोड क्या रहेगा आपका? देखो इनवाइस कोड के लिए क्या करोगे आप, तो सॉरी इनवाइस कोड बोल रहा हूँ मैं, इनवाइस डेट लिखना है, इनवाइस डेट लिख दो, यहाँ पे जो भी डेट है आपका,
10 सितंबर है, तो लिख दिया 10 सितंबर 2019 लिख, ठीक है चलो ये डेट है, ये डाल दिया हमने। अब इसके बाद ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमने कर दिया। अब इसके बाद आप क्या दिया है डिटेल में देखो, जरा फटाफट आ जाओ डिटेल में क्या क्या दिया है, वो बातें आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या दिया भाई डिटेल। यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर हो गया आपका, चला आपने ये पूरा कर दिया। फिर HSN कोड रहेगा, HSN कोड ये आपको लिखना है, HSN कोड हो गया। नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या आपने लिखना है, क्या आपने लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। फिर उसके बाद बच्चों क्या लिखना है रेट, तो आपको यहाँ पे लिखना है रेट लिख दिया आपने, ठीक है। अब रेट हो गया, रेट लिखने के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ना है, ठीक क्वांटिटी लिखना है, ठीक है। रेट के बाद क्या आएगा क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख देना समय तो सही। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट लिखना है, टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट लिखो, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे दो पार्ट बनाना है, ये बनाना है एक ऊपर बनाना है, तो तरफ हो गया पेन और बनाना आपको ड्रॉ कर देना है। क्या आएगा आपका GST आ जाएगा, कौन सा GST, GST दो पार्ट में बटा हुआ है, सी GST हो, दूसरा वाला SGST। ये लिखने के बाद और नीचे एक एन और ड्रॉ कर दो, दो पार्ट में बटा, रेट और टैक्स लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पर, क्या लिखना पड़ेगा रेट और टैक्स यहाँ पे लिखो एट टैक्स, रेट और टैक्स लिख दोगे। रेट और टैक्स होने के बाद आपका फाइनल जो बचेगा टोटल यहाँ पे आपको लिखना, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, तो ये पूरा का पूरा आप हिस्सा कंप्लीट कर देना, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद अब अगला बचा कि आगे क्या करना है, तो देखो आगे जो है आपको ये लिखने के बाद नीचे जो दिया हुआ है सीरियल नंबर 1 2 लिख दो, और 2 लिख दिया हमने, हमारा सीरियल नंबर हो गया। फिर अब हमको देखो और जो इन्फॉर्मेशन दिया फटाफट लिखते चले, क्या दिया इन्फॉर्मेशन, तो कलर में चेंज लो से डार्क ब्लू, बाउंड्री है ना, और कलर ले, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी क्या हुआ है, तो मोबाइल बैटरी का रेट दिया है, रेट ऑफ दो चीज़ें दिया है, मोबाइल बैटरी का रेट दिया है, और दूसरा जो दिया आप देख सकते हो रेट ऑफ मोबाइल बैटरी है, और रेट ऑफ हेडफोन, तो हेडफोन है मोबाइल बैटरी है, सीरियल नंबर 1 2 हो गया। फिर उसके बाद HSN कोड लिखना है आपको, HSN कोड देखो यहाँ पे दिया है, HSN कोड क्या है 850, यहाँ पे लिख दो 850। ये वाला क्या दिया है 851518 दिया है, ये लिख दिया आपने। तो क्वांटिटी बोला है, क्वांटिटी कितना है एक एक है, तो मैंने क्वांटिटी लिख दिया बाजू में एक क्वांटिटी, तो ये लिख दिया। रेट ऑफ GST पहले वाले का क्या दिया, रेट ऑफ GST 12%, 12% हो गया, वाले का 18%, 18% लिख दिया आपने। मेरे ख्याल सब सबको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे 200 रुपया है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है 200 रुपया है, तो 200 रुपया आपको लिखना पड़ेगा फटाफट, 200 रुपया एक का है दूसरे का 750 है, तो यहाँ 200 लिख दिया आपने, 750 लिख दिया। फिर उसके बाद बताओ मुझे फटाफट आगे क्या, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो ऊपर वाले प्रोडक्ट का नाम क्या है वो बताओ मुझे, मोबाइल बैटरी है, तो मोबाइल बैटरी लिख दिया आपने, मोबाइल बैटरी ऊपर वाले प्रोडक्ट का नाम मोबाइल बैटरी हो गया। उसके वाले का हेडफोन आप लिखोगे हेडफोन, मोबाइल बैटरी हो गया, हेडफोन हो गया। अब रेट, रेट की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दिया ना 12% 18%, ठीक है। किस भाव से लगाया उसने, भाव तो वही था ना 200 रुपया, तो आपको 200 रुपया लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना रेट 750, तो 750 लिखना पड़ेगा। याद रखिए एक पीस था तो 200 का कितना आ गया 200 रुपया हो गया, दो पीस रहता तो यहाँ 400 बन जाता, तीन पीस रहता तो 600 बन जाता, क्वांटिटी अगर यहाँ पे चार रहता तो 800 बन जाता, ठीक है। उसके हिसाब से आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब टैक्स कितना बनेगा, 200 रुपये का 12% कितना होता है, 200 रुपये का 12%, ठीक है।
200 रुपये का 12% यहाँ पे साइड में आप निकाल सकते हैं, 12% डिवाइड बाय 12, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 24 रुपये, सॉरी यहाँ पे 12% का रेट था ना, एस जी एस टी और सी जी एस टी दो हिस्से में डिवाइड होगा, प्लस इसको सही कर लो, एस जी एस टी और सी जी एस टी है ना, 12% का, कलर चेंज करता हूँ, दो हिस्से में डिवाइड, देखा नहीं यार कोई बात नहीं, यहाँ पे 6% इस पर लगेगा, 6% इस परसेंट जाएगा। अब 12% का मैंने यहाँ पे निकाला, कितना आ गया 24 रुपया, तो 24 रुपये का मतलब 12 रुपये इधर लगेगा, 12 रुपये इधर लगेगा। अब नीचे वाला देख लेते हम लोग, नीचे वाला कितना लगेगा, आप 9% निकाल लो, कितना दिया टोटल 18% दिया ना, कितना दिया 18% यानी कि 9%, 9% इसके ऊपर, 9% इसके, 9% निकाल लो आप, किसका निकालने का आपको 750 का, 750 का आपको 9% निकाल, 9% निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो से जीरो कटा, ऊपर 9 और 5 बचा, 9 5 या 45 क्या है 4 आया, 9 7 जा कितना होगा 67, 63 और 4 67 वन, एक जीरो तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, इस तरीके से आपको करना रहेगा, ठीक। तो आपका ये 9% हो जाता है, 67.5, 67.5 कुछ आपका आ जाता है, यहाँ पे लिख दो 65, यहाँ पे भी लिख दो 65 रुपीज़, ठीक है। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना बनेगा इसमें, ऊपर वाला देख लो, 200 रुपये ये, 12 रुपये ये, देखो टोटल अमाउंट में कलर चेंज कर, आपको ज़्यादा बेहतर समझ, कलर का फिर से येलो, तो यहाँ पे 12 रुपये आ गया, ये 12 रुपये आ गया, और ये 200 रुपया था, 200 रुपये में 12 12 मिला दो, 24 हो गया, 224 रुपये टोटल अमाउंट बना। दूसरा वाला देखो, यहाँ पे कितना है 750, ये 750 ये हो गया, 67 67 ये हो गया ना, 67 67 मिला दो, कितना हो जाता है 60 आओगे तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जाना क्या 2 मल्टीप्लाई करना, दो बार मल्टीप्लाई, 5 या 10 जी, कैरी आया 2, कैरी आया 1, 49 कैरी आया 1 का 12 एंड 135 रुपया आ जा रहा है ना आपका, तो 135 रुपया ये हो गया, 135 ये हो गया, और 135 और 750 में मिला दोगे कितना आएगा आपका टोटल 885 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 85 रुपीस। तो ये पूरा आपका इस तरीके से बिल बन गया, इस तरीके से आपका बिल बन गया, बट आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल करके देना पड़ेगा ना, सबका ज्वाइन करना है, टोटल लिखना पड़ेगा, साइन और बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बना देता हूँ, कहाँ बनाऊँ, यहाँ पे बनेगा, क्या करना, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देना, अब यहाँ पे भी लिख देते जो रहेगा आपका, आपको यहाँ पे बताना रहेगा टोटल, टोटल कितना आ गया 79 रुपीज़, ये आपका टैक्स लग रहा है 79 रुपीज़ 50 पैसे, ये टैक्स लगा, यहाँ पे भी लगा 79 रुपीज़, टोटल मिला दोगे तो आपका 1109 रुपया बनता है, ठीक, 5 4 9 8 2 10 0 8 2 10 11, 1109 रुपीज़ जो बन रहे हैं आपके पूरे टैक्स बन रहे हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, हॉट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है, तो बच्चों याद रखो इसमें क्या क्या है, इसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना है, आपको याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। इसको एक बार फिर से जो है हाईलाइट कर देता हूँ, देखो सबसे पहले ये कॉर्नर में आपको सप्लायर लिखना है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, भाई सबसे पहले याद रखो आपको जो है सप्लायर, जो है सप्लायर लिखना है कॉर्नर में, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको जो सप्लायर लिखना है, और सप्लायर के बाद पूरा चीज़ है, ठीक है, वॉइस नंबर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जीएसटी नंबर राइट कोने में रहेगा, और नीचे कॉर्नर में इनवॉइस डेट रहेगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से करना रहेगा आपको, तो बस कुछ इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ना, तो आप लोग इसको ज़रूर करिए। अगर कभी कभी क्वेश्चन में देखो
एक वर्ड और दे देगा आपको, रेसिपिएंट करके दे देगा। तो रेसिपिएंट जब भी आएगा तो आपको यहाँ पर जो है इस पोजीशन पे रेसिपिएंट लिख देना है, जो रिसीव करने वाला है उसके बारे में लिखना रहेगा, तो उसके बारे में लिख देना, ठीक है। रेसिपिएंट अगले क्वेश्चन में सेम दिया है, तो रेसिपिएंट यहाँ लिख दोगे और उसका टेक्स्ट और इनवाइस डेट जो रहेगा उसको सामने लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट्स करना।